चलिए दोस्तों, आगे हम लोगों ने तीन डिस्क्राइबिंग फंक्शन के बारे में सीखा। अब चौथे नंबर से स्टार्ट करते हैं। वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये भी चार कंट्रास्ट, आई थिंक ये 5 to 6 टाइम आ चुका है। ये भी मतलब अभी हम लोग सब मोस्ट टाइम पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट का मतलब होता है जब दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। और उसके लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल होता था? धो, ऑल धो, बट, इन स्पाइट ऑफ, हाउ एवर, एज, ये सब में से बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में धो, बट और इन स्पाइट ऑफ ये सारे ज़्यादा मतलब चलन में है। तो हम लोगों को इस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसकी डिटेल में ले जाने के बदले ये सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। धो का कुछ अगर एग्जाम्पल दूँ मैं, लाइक हाँ, धो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, धो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज गुड बाय हार्ट। तो इसका थोड़ा सा मेरे को बताओ, धो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज गुड बाय हार्ट, भले ही वो स्ट्रिक्ट है लेकिन दिल का अच्छा है। तो स्ट्रिक्ट होना नेगेटिव, दिल का अच्छा होना पॉजिटिव। ओके, तो वो दिल का बहुत मतलब वो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो दो शुरुआत में है, बट कैसा? ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। रिच होना आज की दुनिया में पॉजिटिव बात होती है, तो अनहैप्पी होना नेगेटिव बात होती है। बट आ गया बीच में, इन स्पाइट ऑफ ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन एग्जाम। भले उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हुआ, भले उसने मतलब और फिर से फिर वो उसने ट्राई किया और फिर वो आगे बढ़ा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग धो, बट और इन स्पाइट ऑफ ये सबको अच्छे से सीख सकते हैं। दो शुरुआत में, बट बीच में, और इन स्पाइट ऑफ भी शुरुआत में आता है, ठीक है। अभी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके। अमित वॉज वेरी लाउड, ब्रैकेट में लिखा है बट और कॉन्ट्रास्ट। अब मजेदार चीज है, अमित वॉज वेरी लाउड। अब यहाँ पे ज्यादातर लाउड किस तरीके से के मतलब चिल्ला रहा था, अमित बहुत चिल्ला रहा था लेकिन, तो यहाँ पर चिल्लाना नेगेटिव बात हो गई, लेकिन वो चिल्ला उसके राइट पॉइंट के हिसाब से रहा था। तो अब यहाँ पर हम लोग को खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, अमित वॉज वेरी लाउड बट, मतलब वो बहुत चिल्ला रहा था लेकिन वो सही था। तो अमित पर्सन तो बॉय है, तो क्या हो जाएगा? ही के साथ भी वॉज लगेगा, ही वॉज राइट। अमित वॉज वेरी लाउड बट ही वॉज राइट, ठीक है। दो ही इज रिच, अब देखो पॉजिटिव तो दूसरा बना दो नेगेटिव। आपको कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि एक पॉजिटिव तो नेगेटिव करो, नेगेटिव तो पॉजिटिव करो, बस खत्म। दो ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। चलिए तीसरा देखिए, माय ग्रैंडफादर इज ओल्ड, ब्रैकेट में लिखा है बट। ओल्ड होना मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र जाती है ऐसे कमजोर होते जाते, तो नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव क्या? माय ग्रैंडफादर इज ओल्ड बट ही इज वेरी हेल्दी, लिख सकते हैं आप। कई बार ऐसा उल्टा सेंटेंस भी आ सकता है, धो आगे की तरफ मतलब लिखना है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, धो ही इज वीक इन स्टडीज, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। भले वो पढ़ाई में कमजोर है लेकिन वो बहुत 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 ज्यादा हार्ड वर्किंग है, राइट। चलिए ठीक है, तो ये जो मोस्ट आईएमपी चार थे वो हो गए। अब थोड़े थोड़े आईएमपी हम लोग देखेंगे, जैसे हैबिट या हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। एक ही वर्ड याद रखना है आपको, यूज टू के साथ V1 या यूज टू के साथ ING। अब आप देखिए कब V1 और कब ING, उसके बारे में हम लोग बात करें और खत्म करते। बहुत ही छोटा, बहुत बहुत ज्यादा ही छोटा टॉपिक है ये। रोहित इज यूज टू, शी वॉज यूज टू। अब देखिए यहाँ पर हाँ, इज एम आर और यूज टू आएगा तो ING लगा दो, पर यहाँ पर भी एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया हुआ है ये। देखिए आप कह सकते हैं वर्किंग हार्ड या वर्क हार्ड। चलिए देखते हैं, रोहित इज यूज टू वर्किंग हार्ड, शी वॉज यूज टू प्लेइंग, प्लेइंग हार्ड के बदले प्लेइंग खेलने की बात हो रही है, तो शी वॉज यूज टू प्लेइंग खो खो और कबड्डी इन हर चाइल्डहुड। माई मदर इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड, राइट। लेकिन अगर सिर्फ देखिए, आप देख लीजिए एक्सरसाइज 4 और ये एक्स्ट्रा के अंदर डिफरेंस ये है, यूज टू के पहले आप देख सकते हैं इज वॉज या इज दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं बीना यूज टू, कामिल यूज टू, रूहिन यूज टू और मोइन यूज टू, तो सब में आएगा सिर्फ वर्क हार्ड, दैट्स इट, डन।
चलिए गुड, दो और लास्ट है शायद। शोइंग पर्पस, पर्पस मतलब कोई मकसद बताना। कौन से इसके हिंट है? इन ऑर्डर टू, विथ अ व्यू टू और सो एज या सो दैट। इन ऑर्डर टू, विथ अ व्यू टू या सो दैट। शॉर्टकट आप देख सकते हैं, विथ अ व्यू टू अर्निंग मनी। विथ अ व्यू टू आया तो अर्निंग मनी, इन ऑर्डर टू आया तो अर्न मनी। अब यहां पर भी इन ऑर्डर टू और विथ अ व्यू टू तो फटाफट हो जाएगा, डायरेक्ट ही आई एन जी लगाना है या तो नहीं लगाना है। सो दैट आएगा तो वही दो एक्स्ट्रा वर्ड, कौन सा एक्स्ट्रा? सब्जेक्ट के हिसाब से ही शी लगाना है और कैन या कुड लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5। अब चाहे तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ठीक है, एक्सरसाइज 5। आवर टीचर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। हमारे टीचर्स भाई सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, विथ अ व्यू टू। अब देखिए यहां पर विथ अ व्यू टू का अगर सेम शॉर्टकट वाला आंसर लिखना था, विथ अ व्यू टू अर्निंग मनी, बात खत्म। बादल वेंट टू अमेरिका विथ अ व्यू टू अर्निंग मनी, बात खत्म। वी शुड बाय पावर सेवर एयर कंडीशनर। अब यहां पर विथ अ व्यू टू अर्निंग मनी नहीं, अब पावर सेवर कब खरीदोगे? जब आपको इलेक्ट्रिसिटी बचानी होगी, पैसा बचाना होगा उसके लिए। देखिए तो इन ऑर्डर टू है तो क्या करेंगे? वी शुड बाय पावर सेवर एयर कंडीशनर इन ऑर्डर टू सेव मनी, इन ऑर्डर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गार्गी वेंट टू कोर्ट। अब सो दैट का इस्तेमाल करिए। चलिए तो डोंट वरी, गार्गी वेंट टू कोर्ट सो दैट। गार्गी गर्ल का नाम है तो क्या आएगा? शी। वेंट पास्ट है तो क्या आएगा? कुड नॉट। शी कुड नॉट, सॉरी शी कुड, यहां पे नॉट नहीं आएगा, सॉरी शी कुड विन द केस या गेट द जस्टिस। ठीक है, आई हायर्ड अ टैक्सी सो दैट। चलिए आपने टैक्सी क्यों हायर करता है? कहीं पहुंचने के लिए। आई हायर्ड अ टैक्सी सो दैट, पहले सब्जेक्ट देख लीजिए कौन है, आई, तो आई लगा दीजिए। आई कुड हायर्ड, इसके लिए पास्ट, इसके लिए कुड लगाना है। आई कुड रीच स्टेशन अर्ली। शीला वॉकड वेरी फास्ट सो दैट, शीला वॉकड वेरी फास्ट सो दैट। शीला गर्ल का नाम है तो शी कैन नहीं, कुड वॉकड, इसके लिए शी कुड रीच अर्ली। राइट, चलिए लास्ट एंड फाइनल, डिस्क्राइबिंग ऑल्टरनेटिव चॉइस प्रेफरेंस और विश। आइदर और, नाइदर नॉर, वुड, ये याद रखना है आपको। अब देखिए ये तो मतलब आपको फौरन आ जाएगा, कैसे? आइदर और, नाइदर नॉर का हम लोग देखते हैं। आई लाइक नाइदर टी, टी के अलावा ऑप्शन क्या होता है? कॉफी। नाइदर टी नॉर कॉफी। आई विल गो नाइदर शिमला नॉर मसूरी नॉर कश्मीर। I would take part either wrestling or boxing or cricket. I don't like fast food. अब देखिए would दे दिया है, I would like chicken chili. I would like masala dosa. I would like paneer tikka. आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, मार्च 2020 के ये questions है और ये रहे इसके answers. स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। इसके आंसर्स, क्वेश्चन, और ये आंसर्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद रखता हूं कि अब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। गुड लक, और मेरी दुआ आपके साथ है। थैंक यू।